हेलो माय डियर डिवाइन सोर्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज अनदर पिक कार्ड रीडिंग फॉर यू गाइस। आपके सामने मैंने दो कार्ड्स डिस्प्ले करके रखे हैं, यानी ये पिक कार्ड रीडिंग होने वाली है दो डेक्स या दो पाइल्स के साथ में। पहला डेक हमारे पास जिसको रिप्रेजेंट करता है ये कार्ड, सैशेता कार्ड, और दूसरा डेक जिसको रिप्रेजेंट करता है ये कार्ड, यानी कि 37 कार्ड। आज का मेरा टैरो से क्वेश्चन ये था कि वॉट इज योर वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी और वॉट इज योर कॉन्शियसनेस लेवल एट प्रेजेंट, यानी इस समय में आपकी वाइब्रेशंस क्या है, आपकी विचारधारा क्या है, आपकी सोच क्या है और उसका इफेक्ट आपके जीवन पर किस तरीके से आ रहा है। साथ ही मैंने ये भी टैरो से क्वेश्चन किया कि आप इस जीवन को बेहतर बनाने के लिए या अपनी वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसीज को रेज करने के लिए, अपने कॉन्शियसनेस लेवल को रेज करने के लिए आप क्या कर सकते हैं जिससे कि आपकी जो वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसीज है उससे जुड़े हुए जो आपके जीवन के अनुभव हैं वो अच्छे हो सकें, बेहतर जीवन का आप अनुभव कर सकें। मैंने अगला क्वेश्चन ये भी किया था कि अगर आप अपनी वाइब्रेशनल लेवल को बढ़ाने का काम करते हैं तो आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स में क्या सुधार होगा और आपकी आने वाली जिंदगी में इसके क्या परिणाम देखने को मिलेंगे। तो ये सभी क्वेश्चंस के ऊपर मैंने टैरो से यहाँ पर दो डेक्स बनाए हैं। वन इज सैशेता द कार्ड वन और द पाइल वन इज सैशेता कार्ड एंड द पाइल टू इज 37 कार्ड। अपने लिए चूज कर लीजिए और हम शुरू करेंगे पाइल नंबर वन सैशेता के साथ। तो पाइल नंबर वन सैशेता के लिए आपकी वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसीज के कार्ड्स हमारे सामने हैं। वी हैव हैंगमैन कार्ड, वी हैव फाइव ऑफ कप्स कार्ड एंड वी हैव सिक्स ऑफ स्वॉर्ड कार्ड। इंटरेस्टिंग कार्ड कॉम्बिनेशन। सबसे पहली चीज जो मैं इसमें देख और समझ पा रही हूँ वो ये है कि आप उलझन में पड़े हुए हैं, यानी कि विचारों के उलझन में। इनके जैसे कि आप दो विचारधाराओं के बीच में से किसको चुने या दो विचारधाराओं के या दो व्यक्तियों के बीच में से या दो परिस्थितियों के बीच में से किस परिस्थिति को चुने और किसको ना चुने, इस तरह की उधेड़ बुन में इस समय में आप फंसे हुए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आपकी जो स्थितियां हैं वो मनी के अराउंड बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, यानी आपकी फाइनेंशियल स्थितियां बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। और दूसरा, आपके अपने जो भी आपके सिग्निफिकेंट अदर वन होंगे, जो आपके हस्बैंड वाइफ या आपके स्पाउस होंगे या आपके गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड, उनके साथ भी आपके रिलेशंस कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। इससे सीधी सी ये बात साबित हो जाती है कि आप लोअर फ्रिक्वेंसीज में हैं, आप लोअर वाइब्रेशनल एनर्जीज में हैं और इसकी वजह से आप अपने जीवन में कुछ बहुत ज़्यादा अच्छे अनुभवों को खींच नहीं रहे, कुछ बहुत ज़्यादा अच्छे अनुभवों को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं। हालांकि आप इस वक्त में जिस वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी में, इससे कहीं बुरी स्थितियों में आप पहले थे, रीसेंट पास्ट में या फिर फार पास्ट में आप इससे भी कहीं अधिक बुरी परिस्थितियों में थे। मेंटली आप बहुत ज़्यादा अधिक परेशान थे, बहुत ज़्यादा अधिक स्टक थे, बहुत ही ज़्यादा परेशान स्थितियां कर देने वाली स्थितियों में आप ज़रूर से फंसे हुए थे, लेकिन आप लगातार प्रयास करते रहे कि आप उन स्टक परिस्थितियों से कैसे खुद को बाहर निकाल सकें। आपने भरपूर प्रयास किए हैं पिछले समय में कि आप अपने आप को एक हाई एनर्जेटिक वाइब्रेशनल फील्ड में ले जा सकें, आप ज़िंदगी में अच्छे एक्सपीरियंसेस गेन कर सकें और इसके लिए आपने अपनी तरफ से भरसक प्रयत्न किए हैं। और कई बार पिछले दिनों में, पिछले समय में आप उन प्रयासों में थोड़ा बहुत सफल भी हुए हैं, लेकिन अल्टीमेटली होता यह है कि आप जहां थे, जैसे थे, उसी कंडीशन में पहुंचने की स्थिति में चले जाते हैं और आप आगे बढ़ना या आपका जो डेवलपमेंट है या आपका जो प्रगति है वो रुक जाती है और फिर से आपकी जिंदगी में डाउनफॉल शुरू हो जाता है। कई बार आप नई शुरुआत करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो करियर में हो या वो रिलेशनशिप्स में हो, आप कई बार बैलेंस में आने की कोशिश करते हैं, बार बार प्रयत्न करते हैं, लेकिन बार बार आप उन प्रयत्नों में फेल हो रहे हैं। आप बहुत अधिक घबरा गए हैं, परेशान हो चुके हैं और आपको इस परिस्थिति से, इस नेगेटिव वाइब्रेशन से बाहर निकलने का कोई ना कोई मार्ग चाहिए। आप इसमें सहायता की पुकार कर रहे हैं और आप, मुझे लगता है कि ईश्वर से लगातार ये प्रयास कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से आपको इस स्टक एनर्जी में से बाहर निकाल दिया जाए। तो पहली चीज़ जो मुझे आपके लिए वाइब्रेशनल लेवल पर यहाँ पर नज़र आ रही है वो ये कि आपकी वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी भले ही लोअर वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी है, लेकिन आप अपनी स्थिति से परिचित हैं, आप अपनी स्थितियों से अवगत हैं।
लोअर फ्रिक्वेंसी वाइब्रेशंस या लोअर कॉन्शियसनेस में भी कई तरह के लोग होते हैं, जिनमें से कुछ लोग पूरी तरह टोटली डार्क में होते हैं। उन्हें यह भी पता नहीं होता कि वो डार्क में है या उनके साथ जो कुछ घटित हो रहा है उसको सुधारा जा सकता है, या उनके अंदर ऐसी इच्छा ही नहीं होती है कि वो अपनी वर्तमान परिस्थितियों को ठीक करने की कोशिश करें। पर जो अच्छी चीज मुझे यहाँ पर नजर आ रही है वो ये है कि आप अपनी स्टकनेस से, अपने डिप्रेशन से, अपनी सैडनेस से, अपने फेलियर से आप बाहर निकलना जरूर से चाहते हैं, और आप उसके लिए कहीं ना कहीं अब सोच विचार कर रहे हैं कि मुझे कैसे भी इस स्थिति से बाहर निकलना है। ये एक अच्छा साइन है। इसका मतलब ये है कि इस वक्त में आप एक्सेप्टेंस की वाइब्रेशन में हैं। अगर आप वाइब्रेशनल चार्ट को देखेंगे, अगर आप कॉन्शियसनेस वाइब्रेशन चार्ट को देखेंगे, मैं आपके लिए वो चार्ट यहाँ पर लगा दूंगी, तो इस चार्ट के मुताबिक आप इस समय में एक्सेप्टेंस की एनर्जी में, एक्सेप्टेंस की एनर्जी एक पॉजिटिव एनर्जी होती है, यानी आप कम्प्लीटली नेगेटिव वाइब्रेशंस में नहीं है। हालांकि आप पॉजिटिव हायर कॉन्शियसनेस में नहीं है, लेकिन आप कम्प्लीटली लोअर फ्रिक्वेंसी में भी नहीं है। आप बीच में लटके हुए, शंकु का गार्डन, आप बीच में लटके हैं। बीच का मतलब है वाइब्रेशनल चार्ट के बिल्कुल सेंटर के ऊपर आपकी पोजिशन है, यानी एक्सेप्टेंस की एनर्जी में आप हैं, और यहीं से हायर फ्रिक्वेंसी वाइब्रेशन की शुरुआत होती है। इससे नीचे के जो हमारे एनर्जीज होती है, जैसे एंगर, फ्रस्ट्रेशन, सैडनेस, उनमें आप जरूर रहे हैं। पिछले समय में आप इस तरह के लोअर फ्रिक्वेंसी में आप जरूर रहे हैं, लेकिन इस समय में आप इस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि आपको अपनी इस स्थिति से बाहर निकलने के लिए खुद से कुछ करना होगा, अपने हाथ में आपको कंट्रोल लेना होगा, और यहीं से हायर फ्रिक्वेंसी की शुरुआत होती है। तो डेफिनेटली पाइल वन जिन्होंने सेलेक्ट किया है, आप नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी में जाने के लिए तैयार हैं, आप एक्सेप्टेंस के वाइब्रेशंस में इस समय में हैं। और इसके बाद मेरा दूसरा क्वेश्चन था कि जब आप इस वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी में होते हैं तो किस तरह के एक्सपीरियंसेस आपको होते हैं, और उन एक्सपीरियंसेस से बाहर निकलने के लिए आपको क्या करना चाहिए। तो ये हमारे पास में यहाँ आपके लिए कार्ड है। जब आप इस तरह की एनर्जी में होते हैं तब किस तरह के एक्सपीरियंसेस आपको होते हैं और उनसे बाहर निकलने के लिए आप क्या कर सकते हैं। पहली चीज़ है, जब आप लोअर फ्रिक्वेंसी वाइब्रेशंस में होते हैं, या फिर आप जस्ट अभी आप सिर्फ बाहर निकलने के बारे में विचार ही कर रहे हैं, यू आर नॉट इन हायर वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसीज, ऐसे में आपके साथ क्या होता है। ऐसे में आपके साथ ये होता है कि आपका हाथ तंग होता है, आपको फाइनेंशियल अबंडेंस नहीं मिलती, आप काम चलाओ पैसा तो आप कमा लेते हैं, या घर चलाने लायक खर्च तो आपके पास होता है, लेकिन आप जनरसली पैसा खर्च कर सके, खुलकर पैसा खर्च कर सके, खुले दिल से अपने लिए, परिवार के लिए, या फिर समाज के लिए, धर्म के लिए, सेवा के लिए, दान के लिए आप पैसा दे सकें, उतना पैसा आपके पास में नहीं होता है, और आपको पैसे के लिए हमेशा आपको लाइक डर लगता रहता है कि मेरे लिए कम पड़ जाएगा, कि मेरा पैसा खत्म हो जाएगा। तो जब आप लोअर फ्रिक्वेंसी वाइब्रेशन में होते हैं तो आप लैक मेंटेलिटी का शिकार होते हैं, आप विक्टिम मेंटेलिटी का शिकार होते हैं, और पैसे के साथ में आपका संबंध कोई बहुत ज्यादा अच्छा संबंध आपका नहीं होता है, और आपको ऐसा लगता है कि आप चाहे कुछ भी कर लें, कैसा भी कुछ भी काम कर लें, लेकिन ट्रू प्रॉस्पेरिटी आपकी तरफ नहीं आती है। आप अपने एक्शंस बदल बदल कर देखते हैं, आप करियर बदल बदल कर देखते हैं, आप वर्क करने का तरीका बदल बदल कर देखते हैं, लेकिन पैसे की जो एक्सपेक्टेशन आपको है वो पैसा आप तक किसी भी हालत में नहीं आता है, और ये चीज़ आपको और अधिक निराश कर देती है, और आप फिर से एक और लोअर फ्रिक्वेंसी जोन में आप चले जाते हैं, सैडनेस और डिप्रेशन के जोन में आप चले जाते हैं। इसी तरह से अगर जब आप लोअर फ्रिक्वेंसी वाइब्रेशंस में होते हैं तो आपके इमोशनल अपहीवल्स होते हैं। अगर आप एक वूमन है तो आप मोस्ट ऑफ द टाइम अपने आप को इमोशनल हर्ट फील करती हैं, आपके मूड स्विंग्स होते रहते हैं, कभी आपको मूड बहुत अच्छा होता है, कभी आप पॉजिटिव फील करती हो, हैप्पी फील करती हो, और कभी आप एकदम से लो फील करने लग जाती हो, डिप्रेस फील करने लग जाती हो, और आपको लगता है कि कुछ भी चीज़ें ठीक नहीं होने वाली हैं। और अगर आप एक मेल हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि आप रिलेशनशिप में स्टेबल नहीं रह पाते हैं। कुछ समय के लिए आपको ऐसा लगेगा कि आप कनेक्टेड हैं, आप अच्छा फील करते हैं लव रिलेशन में, अपने कनेक्शन के साथ आप अच्छा फील करते हैं, और कुछ समय बाद आपको ऐसा लगने लगता है कि आपको खिंचाव महसूस होने लगता है, आपको रिपल्शन महसूस होने लगता है, आप कनेक्शन फील नहीं करते, यानी आपके हैप्पी स्टेबल रिलेशन नहीं बन पाते हैं। लाइकवाइज अगर आप वुमेन है तो भी आप जिस मेल के साथ कनेक्टेड है वो कुछ समय के लिए आपके साथ अच्छे से कनेक्टेड रहता है, अच्छे से बातचीत करता है, और कुछ समय के बाद में वो आपसे दूर भागने लग जाता है, और इसी तरीके से आपको रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स होने लगती हैं।
इसी तरह आपके इंटीमेसी यानी आपके जो सेक्सुअल संबंध होते हैं उनके अंदर भी आपको प्रॉब्लम होती होगी जरूर से। आपका सेक्रल चक्र इम्बैलेंस होता है, आपकी मेल और फीमेल एनर्जीज बैलेंस नहीं होती, इसी वजह से आपके वर्क प्लेस पर यानी आपका पैसा यानी मनी जो आप कमाते हैं वहां पर भी आप बैलेंस नहीं, फाइनेंशियली आप अपने आप को फिट महसूस नहीं करते और इमोशनली भी आप हमेशा डिस्टर्ब रहते हैं और आप हमेशा आपको ऐसा लगता है कि आपको डर लगता रहता है, आपकी आकांक्षाएं पूरी नहीं होती, आपके सपने पूरे नहीं होते और हर वक्त एक अनजान आशंका से आप घिरे रहते हैं। इस तरह की अगर आपकी फीलिंग्स होती है इसका मतलब ये है कि आप इस समय में लोअर फ्रिक्वेंसी वाइब्रेशंस में हैं। अच्छा है कि आप जल्दी से जल्दी इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लें कि यू आर इन लोअर वाइब्रेशंस, ताकि जब हम एक्सेप्ट करेंगे तभी हम अपनी चीज़ों को सुधारने का प्रयास करेंगे। ओके, अब मैं आपको बताती हूँ कि जब आप लोअर फ्रिक्वेंसी वाइब्रेशंस में होते हैं तो सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी चाहिए और उसके बाद जो करना चाहिए और उसके बाद जो करना चाहिए, ये कार्ड्स हमारे गाइडेंस के लिए भी काम में आने वाले हैं। सबसे पहली चीज जो आपको करनी चाहिए अगर आप लोअर फ्रिक्वेंसी वाइब्रेशन से हायर फ्रिक्वेंसी वाइब्रेशन में जाना चाहते हैं, पहली चीज जो आपको करनी चाहिए, बिलियंस ऑफ अस आर लिविंग इन परफेक्ट डाइवर्सिटी। पहली चीज तो आपको अपने आप को दूसरे लोगों से कंपेयर करना तुरंत प्रभाव से बंद कर देना चाहिए। दूसरे लोग अपनी जिंदगी में क्या हासिल कर रहे हैं, दूसरे लोगों के रिलेशन कैसे हैं, दूसरे लोग कितनी सफलता हासिल कर रहे हैं, इसको अपने सफलता का पैमाना मानना बंद कर दीजिए, इसको अपनी खुशी का पैमाना मानना बंद कर दीजिए, अपना कंपेयर दूसरों से करना बंद कर दीजिए, दूसरों से जेलेसी रखना, दूसरों के ऊपर नेगेटिव एनर्जीज इम्पैक्ट डालना कि लोग क्यों खुश हैं, उस बात पर गुस्सा करना, शिकायत करना इस बात पर कि ईश्वर ने दूसरों को अच्छा दिया और आपको अच्छा क्यों नहीं दिया। सबसे पहले तो आप रिजेंटमेंट, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, जेलेसी और शिकायत की जो आपकी एनर्जी है उससे बाहर निकलिए, कंपैरिजन करने की आपकी जो प्रवृत्ति है उससे आप बाहर निकलिए और इस बात को मानिए कि एक हाथ की सभी उंगलियां बराबर नहीं होती, सबकी जो भी किस्मत को तो खैर मैं नहीं मानती, लेकिन हाँ सबकी किस्मत अलग 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 होती है और आपको जो दिया गया है आपके भले के लिए बेस्ट दिया गया है, इस जगह से ही, इसी पॉइंट से जहाँ पर आप इस वक्त हैं, इसी पॉइंट से आप अपने लिए बेस्ट लाइफ बना सकते हैं, इसलिए आपको किसी और से कंपेयर करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जो जैसा जा रहा है उसका लाइफ पाथ वैसा है, आपका लाइफ पाथ दूसरों के लाइफ पाथ से अलग है, यू आर यूनिक, आप अपने जैसे दुनिया में सिर्फ एक हो, एक ही बार बने हो, न आपसे पहले आपके जैसा कोई बना है, न आपके बाद आपके जैसा कोई बना है, यू आर द वन एंड ओनली इन दिस एंटायर यूनिवर्स। अपनी विशेषता को पहचानिए, अपनी यूनिक इसको पहचानिए और आप लोगों से इतने ज्यादा अलग हो कि आपको किसी के साथ अपना कंपैरिजन नहीं करना चाहिए और जो जैसा है उसको उसी हाल में एक्सेप्ट करना चाहिए। अगेन वही एक्सेप्टेंस की एनर्जी, ठीक है अगर किसी की किस्मत अच्छी है तो अच्छी है, उसको एक्सेप्ट कीजिए। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो आपसे भी लोअर फ्रिक्वेंसीज में हैं, आपसे भी बुरी हालत में हैं, उसको भी एक्सेप्ट कीजिए और अपनी परिस्थिति को भी आप परफेक्टली एक्सेप्ट कीजिए। परफेक्ट डाइवर्सिटी का कार्ड है हमारे पास में, भगवान ने सबको अलग अलग बनाया है और अलग अलग होते हुए भी सभी अपनी अपनी जगह पर परफेक्ट हैं। ऐसा जब आप फील करने लगेंगे, ऐसा जब आप थिंकिंग पैटर्न बनाएंगे तो चीज़ें आपके लिए बदलना शुरू होंगी। इसी को कहते हैं परफेक्ट एक्सेप्टेंस की एनर्जी, जिसमें आप अभी शायद हैं और अगर आप नहीं हैं तो आपको एक्सेप्टेंस की वाइब्रेशंस में इस समय में पहुंच जाने की जरूरत है। ओके, द डाइवर्सिटी ऑफ आवर प्लैनेट इज ट्रिमेंडस वैल्यू एंड बेनिफिट। और क्योंकि आप सबसे अलग हैं, क्योंकि लोग आपसे अलग हैं, इसका फायदा उठाना सीखिए। आपकी जो यूनिक परिस्थितियां हैं, आपके जो यूनिक चैलेंजेस हैं, आपकी जो यूनिक डाइवर्सिटीज हैं, उन्हीं में से आपके लिए अपॉर्चुनिटीज निकल कर आई है। हर एक व्यक्ति को जब वो समझता है कि उसकी कमजोरी है, जब वो समझता है कि ये उसका बैड लक है, लेकिन उसके बैड लक में ही उसकी अपॉर्चुनिटीज का राज छुपा होता है, उसके बैड लक में ही उसके उसके आगे बढ़ने का राज छुपा होता है। और ध्यान रखिए कि जिंदगी में कोई भी एक सही तरीका नहीं होता, द राइट वन वे टू लिव, कोई भी एक सही तरीका जीने का नहीं होता। आप किसी और की नकल करने की कोशिश मत कीजिए, किसी और दूसरे के पाथ को फॉलो करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि हर एक व्यक्ति का अपना जीवन जीने का तरीका होता है। आपका राइट पाथ क्या है, आपका सही पाथ क्या है, उसको चुनने की कोशिश कीजिए, अपना पाथ बनाने की कोशिश कीजिए बजाय दूसरे लोगों के पाथ को फॉलो करने के, तब डेफिनेटली आपकी वाइब्रेशंस बढ़ने लगेंगी। ओके, इसके बाद हमारे पास दूसरा कार्ड है आपके लिए, प्रॉस्पेरिटी का कार्ड है।
एक्शन ऑफ जेनरोसिटी एंड ऑफरिंग, जितना भी थोड़ा पैसा आपके पास है, भले ही बहुत ही कम पैसा आपके पास हो, लेकिन उसमें से भी कुछ पैसा दान के लिए, कुछ पैसा धर्म के लिए, कुछ पैसा दूसरों के भले के लिए और कुछ पैसा दूसरों की सेवा के लिए जरूर से निकालिए। किसी के पास भी इतना कम पैसा नहीं होता कि वो उसमें से कुछ चंद रुपए भी उसके अंदर से दान ना कर सके, ऐसा नहीं होता है। जब आप दान करते हैं, चाहे वो दान कितना ही छोटा हो, 1 रुपए का, 2 रुपए का, 5 रुपए का, 10 रुपए का, 50 या 100 रुपए का, आपका वो दान काउंट किया जाता है। ओके, वैसे इसका जो रूल होता है डोनेशन देने का, दान का जो रूल होता है, वो ये होता है कि आपकी कुल आमदनी का 10% हिस्सा आपको दान में देना चाहिए। और जब आप दान दें तो दान हमेशा गुप्त दान होना चाहिए। आप जब बाएं हाथ से दें तो दाएं हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए कि आपने दान दिया है। अपने दान का बखान मत कीजिए, अपने दान का गुणगान मत कीजिए, चुपचाप से दान कर दीजिए। अगर आपको कोई लगता है आपके आसपास आपसे भी बुरी स्थिति में कोई व्यक्ति है, अगर आपसे भी दुखियारा कोई इंसान आपको नजर आता है और आप उसकी थोड़ी बहुत भी अगर मदद कर सकते हैं, कपड़ा, पैसा, रुपया, पैसा या कपड़ा दे सकते हैं या खाना दे सकते हैं या मीठे दो बोल बोलिए, या अगर वो बीमार है तो उसकी अपनी घंटा पर जाकर आप उसकी सेवा कर दीजिए, बीमारों की सेवा कर दीजिए, अनाथों की सेवा कर दीजिए। जेनरोसिटी दिखाने के और दान करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। आपको जरूरी नहीं है कि आप लाखों करोड़ों रुपए दान करें तो ही आपका दान काउंट किया जाएगा। अगर आपके पास 100 रुपए हैं और आप उसमें से 10 रुपए का दान करते हैं, या आपके पास 1 लाख रुपए हैं और आप उसमें से 10,000 रुपए का दान करते हैं, दोनों दान का वैल्यू बराबर होती है, बशर्ते आपने अपने दान का 10% हिस्सा, आपने अपनी कमाई का 10% हिस्सा दान किया है। अब आप चाहे आपने 100 रुपए दान किया है, या आपने 10,000 रुपए दान किया है, या आपने 1 लाख रुपए दान किया है, अगर आप अपने कमाई का 10वां हिस्सा, जिसको दशमांश कहते हैं, उसको अगर आप दान में देते हैं तो आपकी वाइब्रेशनल लेवल बढ़ती है, आपके मनी के ब्लॉकेजेस हटते हैं और आपको प्रॉस्पेरिटी आती है। आप और दूसरी चीज ये है कि मनी को, पैसे को बहुत ज्यादा टाइट पकड़ कर मत रखिए, डरिए मत, विश्वास रखिए कि जिस इंसान ने, वो एक कहावत है ना, जिसने चौंच दिया उसने वो चुग्गा भी देगा। तो बहुत ज्यादा मनी को टाइट पकड़ने की आपको जरूरत नहीं। जनरस रहिए, खुले हाथ से पैसा खर्च कीजिए। जितना मनी का फ्लो बना रहता है उतना ही नए मनी के आने के चांसेस रहते हैं। मनी को, पैसों को दांत से पकड़ने की जरूरत नहीं है। पैसा फ्लो में रहना चाहिए, पैसा निकलते रहे, आते रहना चाहिए और जाते रहना चाहिए, आते रहना चाहिए और जाते रहना चाहिए। आप पैसे के लिए अवरोध बनेंगे तो पैसा अवरुद्ध हो जाएगा, इसलिए पैसे के लिए फ्लो बनाकर रखिए, ऐसी कोशिश आप कीजिए। और वो फ्लो जो आप बना रहे हैं वो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरे लोगों के लिए भी आप फ्लो बनाकर रखिए। जब आप दूसरे लोगों से कोई चीज खरीदते हैं तब वो भी एक तरह का सोसाइटी में मनी का फ्लो बनाने का तरीका होता है। कोई गरीब लोग कोई चीज बेचते हैं, फल वाले फल बेचते हैं, उनसे आप 2-5 रुपए के लिए जो आप भावताव करते हैं, मोल भाव करते हैं, वो करना बंद कर दीजिए। अगर आप किसी छोटे व्यापारी के पास जाते हैं और वहां पर आपको ऐसा लगता है कि आप 550 का बिल बनता है और आप कहते हैं 500 रुपए दे दूं, 50 रुपए बचाकर आप अमीर नहीं हो जाते, लेकिन 50 रुपए बचाकर आपने अपने लिए मनी का ब्लॉकेज बना दिया, क्योंकि उस छोटे व्यापारी के लिए वो 50 रुपए ज्यादा बड़ी चीज थी, आपके लिए शायद ना हो। तो ऐसी छोटी जगहों पर, बल्कि मोल भाव करना, वैसे मेरे हिसाब से तो बार्गेन करना इज नॉट, क्योंकि लोग बार्गेन करते हैं इसलिए फिर लोग ऐसा करते हैं कि पहले बढ़ाकर बताते हैं फिर उसको कम करके बताते हैं। आप इस तरह का, लोग धीरे धीरे अगर इस तरह की हरकत करना ही बंद कर देना कि बार्गेन करें, तो दुकानदारों को इस तरह के मैनिपुलेशंस करने की जरूरत ही ना पड़े। एनीवेज दैट इज अ डिफरेंट टॉपिक, लेकिन जहां तक हो सके छोटे व्यापारियों के साथ, छोटे बिजनेसमैन के साथ, बच्चे अगर कुछ बिजनेस कर रहे हैं, लेडीज अगर कुछ बिजनेस कर रही हैं, उनके साथ आपको जेनरस रहना चाहिए, बहुत ज्यादा मोल भाव करना नहीं चाहिए। ये आपके लिए यहाँ पर गाइडेंस निकल कर आया। और जहां तक बात है आपके रिलेशनशिप्स की बात है, तो चेजिंग करना बंद कर दीजिए। अगर आप एक लेडी हैं तो आप चेज करना यानी पीछा करना बंद कर दीजिए। दूसरे लोगों का पीछा करने से वो आपकी तरफ नहीं आते। अगर कोई इंसान जो आपसे कनेक्टेड है आपसे दूर जा रहा है, आपसे दूर भाग रहा है, तो उसको आप छोड़ दीजिए, जाने दीजिए। अगर प्यार होगा तो वापस रिटर्न बैक होकर आएगा, अगर नहीं आएगा, अगर नहीं प्यार होगा तो नहीं लौट कर आएगा। इसलिए आप, यदि कोई व्यक्ति आपको
यदि कोई व्यक्ति आपको नहीं इम्पोर्टेंस दे रहा है, आपसे दूर भाग रहा है, तो उसको चेज मत कीजिए। बजाय इसके अपने इमोशनल बैलेंस की दिशा में काम कीजिए, इमोशनली ग्रो होने के काम कीजिए, अपने मूड को बैलेंस रखिए, अप्स एंड डाउन मूड के अप एंड डाउन को संभालने की कोशिश कीजिए। मूड के अप्स एंड डाउन को संभालने के लिए आपको मेडिटेशंस करने होते हैं, मेडिटेशन करिए, योगा कीजिए, एक्सरसाइजेस कीजिए, और अपने हार्मोन और गुड डाइट, बैलेंस डाइट लीजिए, फुल वाटर इनटेक लीजिए, और अच्छा साहित्य पढ़िए, अच्छा नॉलेजफुल नॉलेजेबल वीडियोस देखिए, मोटिवेशनल वीडियोस देखिए, और अपने इमोशंस को आप बैलेंस में रखिए ताकि आप हायर वाइब्रेशंस को फील कर सकें। और नेक्स्ट जो आपके लिए कार्ड आया है, अलाउ अनादर इनसाइड योर थॉट्स, फीलिंग्स, परसेप्शंस, फियर्स, विशेस, होप्स एंड ड्रीम्स। अपने थिंकिंग पैटर्न को बदलने की कोशिश कीजिए। अब तक आप जिस तरीके से सोचते हैं, क्या उससे कुछ अच्छा हुआ है, नहीं हुआ है ना, तो अपने थिंकिंग पैटर्न को बदलने की कोशिश कीजिए। अपने डरों को अलग तरह से देखने की कोशिश कीजिए, डर में अपॉर्चुनिटीज को तलाश करने की कोशिश कीजिए, अपने विशेष, अपने होप्स, अपने ड्रीम्स को पूरा करने की कोशिश कीजिए। और उसको पूरा करने की कोशिश में किसी और व्यक्ति की नकल उतारने की आपको जरूरत नहीं, अपने लिए आपके लिए क्या सही पाथ है, उस सही पाथ को आप फॉलो कीजिए, फॉलो योर इंट्यूशन। और उसके बाद में मैंने क्वेश्चन किया था कि अगर आप इस तरीके से चलते हैं, जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप इस तरीके से अपनी वाइब्रेशंस को रेज करने का काम करते हैं, तो व्हाट विल चेंज इन योर लाइफ। तो हमारे पास ये आकाशिक रिकॉर्ड कार्ड है आपके, और ये आपके फ्यूचर एनर्जीज के कार्ड है। व्हाट विल हैपन इफ, अगर आप इस अपनी जिंदगी को बदल देंगे, अगर आप थिंकिंग पैटर्न वगैरह बदल लेते हैं, पहली चीज आप कंफ्यूजन से बाहर निकल आएंगे, आप ज्यादा दृढ़ता के साथ, ज्यादा ग्राउंडिंग के साथ, ज्यादा बैलेंस के साथ जिंदगी में आगे बढ़ पाएंगे। आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स में जो इम्बैलेंस क्रिएट हुआ है, जो कन्फ्यूजन क्रिएट कर रखा है आपने, वो आप बदल देंगे। आप फ्लो, आपको जो अवरोध आपके अंदर जो अवरोध है, मनी का अवरोध या रिलेशनशिप का अवरोध है, वो अवरोध खुल जाएगा, और फ्लो, मनी का फ्लो, रिलेशनशिप्स का फ्लो आपकी दिशा में आने लगेगा। ग्रोथ और ग्रीनरी, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस आपको मिलने लगेगी, नई अपॉर्चुनिटीज, नए द्वार आपके लिए खुल जाएंगे, और आप अल्टीमेटली इस ग्राउंडेड स्टेट में पहुंच जाएंगे। अगर आप फीमेल हैं तो भी इंडिपेंडेंट बैलेंस्ड वुमेन, जो कि अपनी जिंदगी में हर दिशा में अच्छी तरीके से ग्रो कर रही है, और अगर आप मेल हैं तब भी मिरेकल क्रिएशन कार्ड है, आप अपनी जिंदगी को वैसा बना पाएंगे जैसा बनाने का आपने कभी सपना देखा था। अगर आप आमूल चूल परिवर्तन करें अपनी थिंकिंग पैटर्न में, अगर आमूल चूल परिवर्तन करें आप अपने वाइब्रेशंस को बढ़ाने में, तो जब आपके वाइब्रेशन बढ़ते हैं तो आपके आकाशिक रिकॉर्ड यानी आपके कार्मिक रिकॉर्ड बदल जाते हैं, और जब आपके कार्मिक रिकॉर्ड बदल जाते हैं तो आपके फ्यूचर में जो रिजल्ट्स आने होते हैं वो भी बदल जाते हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर नेगेटिव कार्ड्स आए थे आपके पहले, और किस तरीके से आप अपने वाइब्रेशनल लेवल को चेंज करके आप एक बहुत ही कॉन्फिडेंट सक्सेसफुल इंसान में परिवर्तित हो सकते हैं। तो ये थी रीडिंग हमारे पाइल नंबर 1 वाले लोगों के लिए, और अब शुरू करते हैं पाइल नंबर 2। जिन लोगों ने पाइल नंबर 2 चुना है, आपकी वाइब्रेशनल स्थिति क्या है? आपकी वाइब्रेशनल स्थिति बहुत हायर वाइब्रेशनल स्थिति है, जॉय, सक्सेस, अबंडेंस, विक्ट्री की आपकी एनर्जी से नजर आ रही है। दिस इज 6 ऑफ वांड्स कार्ड, सफलता का ये कार्ड आप देख रहे हैं, आपकी सफलता का परचम लहरा रहा है, लोगों के बीच में आप रेस्पेक्ट के पात्र हैं, आपने अपने आप को एस्टेब्लिश किया है, आप अपने करियर के ऊपर फोकस्ड हैं, आप लीडरशिप रोल निभा रहे हैं, आप ताकत स्ट्रेंथ के साथ आगे बढ़ रहे हैं, आप अपनी कमजोरियों का या आपके अगेंस्ट जो भी लोग हैं उनका डट कर ताकत के साथ आप मुकाबला करने को तैयार हैं, आपके पास एक अच्छी सपोर्टिव टीम है जो आपका साथ देने के लिए तैयार है, और आपके पास में इंटरनल जो इंटरनल ताकत होती है, इंटरनल स्ट्रेंथ होती है, मुझे लगता है वो भी आपके साथ है। मुझे ये भी लगता है कि आपके स्पिरिट गाइड्स भी आपके साथ हैं, यू हैव अ हायर लेवल टीम विद यू, आपके गुरु हो सकते हैं, आपके स्पिरिचुअल गाइड्स हो सकते हैं जिनका सपोर्ट आपके साथ में है। थर्ड पार्टी एनर्जीज में आप अगर लास्ट कुछ समय में पहले रहे हो तो आप उन थर्ड पार्टी एनर्जी से निकल चुके हैं, अच्छे फ्रेंड्स, अच्छे दोस्त आपके साथ हैं, आप अच्छा हैप्पी टाइम अपने फ्रेंड्स के साथ इंजॉय कर रहे हैं, और जिंदगी को जीतने के लिए या दुनिया को जीतने के लिए, कॉन्कर करने के लिए आपने अपने आप को तैयार कर लिया है, आप इस विश्व के विजेता बनने के लिए रेडी हैं, आपने अपनी लाइफ की बैड साइकिल्स को, कार्मिक साइकिल्स को एंड कर दिया है, आप जिंदगी को जीना चाहते हैं, अबंडेंटली ग्रो करना चाहते हैं, इंजॉय करना चाहते हैं, सक्सेस लेना चाहते हैं, और डेफिनेटली इस दिशा में आप
इस दिशा में आप सार्थक प्रयास कर रहे हैं, इस दिशा में आप एक्टिव प्रयास कर रहे हैं और इसके बहुत अच्छे परिणाम भी आपको मिल रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। मुझे ये भी लगता है कि पिछले समय में आपने बहुत हार्डशिप झेली। पीछे अगर आप देखें तो यहाँ पर ये जो योद्धा है ये पीछे पहाड़ों को पार करके आया है, तो आपका यहाँ तक की जर्नी कोई आसान जर्नी नहीं रही होगी। बहुत बड़े बड़े ऑब्स्टेकल्स इस यात्रा में आपको मिले होंगे, लेकिन आप उन चीजों से हार नहीं माने हैं। आपने लगातार अपने जो भी आपकी वीकनेसेस थी, जो भी आपके ऑब्स्टेकल्स थे, उनका आपने सामना किया है। कई बार आप हारे होंगे, थके होंगे, घबराए होंगे, लेकिन आपने अल्टीमेट हार आपने नहीं मानी। और जो भी थोड़ा बहुत रिसोर्सेज आपके पास रहे, जो थोड़ा सपोर्ट आपके पास था, उस सबको बटोर कर एक साथ करके साहस के साथ आपने अपने ऑब्स्टेकल्स का सामना किया है और अब आप एक विक्ट्री, एक विनर के तौर पर जिंदगी की नई शुरुआत करने के लिए तैयार है। और क्योंकि आपने अपने ऊपर काम किया है, क्योंकि आपने हिम्मत नहीं आ रही, इसलिए यूनिवर्स आपको अबंडेंस और प्रॉस्पेरिटी देने को तैयार है, आपको न्यू अपॉर्चुनिटीज देने को तैयार है। ऐसी जगह जहां से आपको कुछ नहीं मिलने की उम्मीद थी, वहां पर से भी आपको अब अच्छे अवसर मिल रहे होंगे। आपको आपको मनी, आपको अबंडेंस, आपको लव, आपको करियर में सक्सेस मिलने की पूरी पूरी संभावना है, मुझे ऐसा लगता है। लोग जो पहले आपकी बात नहीं मानते होंगे, आपकी बातों का लोगों पर कोई इफेक्ट नहीं होता होगा, पर अब मुझे लगता है कि आप अपना प्रभाव छोड़ते हैं लोगों पर, आपकी बात लोग मानते हैं, आपको लोग फॉलो करना पसंद करते हैं और अब आपको जिंदगी के सही मायने पता चले हैं। सक्सेस का मूल मंत्र क्या होता है आपको पता चला है, कैसे अपने आप को एक, आप देख रहे हैं यहाँ पर ये जो कृष्ण भगवान है ये ग्वाला है, ठीक है, चोरी कर रहे हैं, माखन की चोरी कर रहे हैं, और यही कृष्ण भगवान यहाँ पर है विश्व गुरु के रूप में, जिनको पूरा ऑल ओवर जो वैदिक भारत था, जो प्राचीन भारत था, वो उनको गुरु की तरह मानता था, वो उनको उनको गाइड की तरह मानता था। ये एक माखन चोर से, एक ग्वाले, एक बहुत ही, आप देख सकते हैं क्या स्थिति होती है, एक गाय चराने वाला, एक माखन चोरी करने वाला, एक छोटा बच्चा जिसकी कोई वैल्यू नहीं थी, गांव के अंदर भी लोग उसको रस्सी से बांध कर पीटते थे, कान खींच लिए जाते थे, ऐसे इंसान से ऐसा इंसान बनने की ये यात्रा है जिसमें आप हैं। अनइम्पॉर्टेंट लेवल से इम्पॉर्टेंट पर्सन बनना, कुछ नहीं से कुछ बनने की जो आपकी जर्नी है, इसमें आप डेफिनेटली आप सक्सेसफुल आप डेफिनेटली हो रहे हैं, ठीक है। और ये जर्नी जो होती है ये सब सेल्फ की जर्नी, आपको पता होगा कि कृष्ण भगवान की मदद किसी और ने नहीं की, इन्होंने अपने डीड्स, अपने कर्मा, अपने स्ट्रेंथ के द्वारा ही इस जीरो लेवल से इस 100 लेवल को इन्होंने पार किया है। और ऐसी ही तरह की विजय यात्रा पर आप भी निकले हैं। नथिंग से एवरीथिंग, नथिंग से समथिंग बनने की आपकी जो यात्रा है, इसमें आप सफल हैं, आप दृढ़ निश्चय कर चुके हैं, यानी कि आप बहुत ही हाई वाइब्रेशंस में हैं, बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशंस में हैं। और डेफिनेटली अगर इसी वाइब्रेशन को इसी तरीके से आप बनाकर रखेंगे तो बहुत जल्दी नथिंग से एवरीथिंग की वाइब्रेशंस में आप पहुंच जाएंगे। दिस इज अ वेरी वेरी नाइस, वेरी हाई एनर्जीज, जॉय, सक्सेस, मनी, अबंडेंस की ये वाइब्रेशंस हैं, जो कि वाइब्रेशनल स्केल पर काफ़ी हाई होती है। आप देखेंगे तो एक्सेप्टेंस के ऊपर की जो वाइब्रेशंस होती हैं, लव, जॉय, मनी, सक्सेस, वहाँ पर आप कहीं ना कहीं स्टैंड करते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है। और अब हम देखेंगे कि अगर जब आप इस वाइब्रेशन में होते हैं तो किस तरीके के आपको एक्सपीरियंसेस होते हैं। तो जब आप हायर वाइब्रेशनल एनर्जीज में होते हैं तो सबसे पहली चीज जो आपके साथ होती है वो ये होती है कि आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती है, मनी आपकी दिशा में आने लगता है। यहाँ लिखा है इनएविटेबली सेइंग यस टू योर मनी इज सेइंग नो टू समथिंग। हाँ बिल्कुल, आप ऐसी चीजें करने लग जाते हो जिसमें मनी आपको मिल रहा हो, जिसमें आपको पैसे मिल रहे हो, ऐसी चीजों को आप यस बोलने लग जाते हो। ऐसी चीजें जहां पर आपको लगता है कि मेरा फाइनेंशियल लॉस होगा, मुझे कोई फाइनेंशियल फायदा नहीं होगा, ऐसी चीजों को आप नो बोलने लग जाते हो। यानी जब आप हायर वाइब्रेशन में होते हो तो आप सिर्फ इस अपना ये फायदा सोचते हो कि क्या ये चीज मेरे लिए लॉन्ग टर्म में ठीक होगी, क्या ये चीज मेरे लिए फाइनेंशियली ठीक होगी, और वही चीज आप करते हो। और बाकी की जितनी चीजें होती है उनको आप सबको नो बोल देते हो, चाहे वो सोशल मीडिया की बात हो, या फिर वो फ्रेंड्स के साथ टाइम पास करने की बात हो, या टीवी देखना, या सोना, या आलस करना, या चीजों को टालना, या फिर अनप्लान्ड वे भी अपने दिन को बर्बाद करना, इस तरह की सभी चीजों को आप ना कह देते हो और आप उन सब चीजों को हाँ बोलते हो जो आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी देने की दिशा में ले जाती है। तो आप अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी के ऊपर काम करने लगते हो, आपको अवसर पहचान में आने लगते हैं, ऐसे अवसर जो आपका समय बर्बाद करेंगे उनसे आप ना कहते हो, और ऐसे अवसर जहाँ आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलेगी ऐसे अवसरों को आप हाँ कहने लगते हो। Something that is ultimately worth far less than your money. हाँ बिल्कुल, आप
पैसे के अलावा अगर कोई भी अनइम्पॉर्टेंट चीजें होती है, टाइम पास करने वाली जो चीजें होती है, उनको आप डेफिनेटली मना करने लग जाते हो। ये अवेयरनेस आपके अंदर आ जाती है कि आपको अपना वक्त, अपनी एनर्जी कहाँ कहाँ लगाना है, कमाई पर लगाना है, पैसा पाने पर लगाना है। और जब आपका पूरा कंसंट्रेशन मनी पर हो जाता है, तो डेफिनेटली जहाँ वेयर वेयर फोकस गोज एनर्जी फ्लोज, वहां पर अबंडेंस आने लग जाती है। तो मनी पर जब आपका फोकस जाने लग जाता है, तो मनी भी आपकी दिशा में आने लगते हैं। ऐसा होता है जब आप हायर फ्रिक्वेंसी एनर्जीज में होते हो। व्हेन यू प्लांट इवन द स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ मनी विद केयर, इट कैन लास्ट फॉरएवर। और आप मनी का वेस्टेज करना बंद कर देते हो, आप मनी को बहुत अच्छी तरीके से इन्वेस्ट करना शुरू करते हो, और आप मनी की अच्छा मैनेजमेंट करना शुरू कर देते हो। जितना भी थोड़ा मनी है आपके पास, उसका आप बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देते हो, और वो इन्वेस्टमेंट आपको आगे जाकर कहाँ फायदा देगा, उसके ऊपर आप ध्यान लगाना शुरू कर देते हो। यानी पहली चीज हायर वाइब्रेशनल लोग जो करते हैं, वो ये करते हैं कि अपना ध्यान फालतू चीजों से हटाकर अपने करियर, अपने मनी पर लगाते हैं। जो मनी उनके पास होता है, उसको वो अच्छी तरह से इन्वेस्ट करते हैं, और ऐसी हर जगह पर वो अपना टाइम और एनर्जी लगाते हैं जहां से उनको भविष्य में अच्छा आउटकम मिले, या जहां से उनको अच्छा रिटर्न मिलता हो। दूसरा कार्ड आपके लिए है बैलेंस का कार्ड। डेफिनेटली जब आप हायर वाइब्रेशन में होते हो, तो आप हर तरीके से बैलेंस में रहते हो। बैलेंस में इमोशन आपके बैलेंस में रहते हैं, आप इमोशनली हर्ट फील नहीं करते, आप लोगों से ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करते। अगर लोग आपको कुछ कह रहे हैं या कुछ प्रतिक्रिया दे रहे हैं, कोई नेगेटिव प्रतिक्रिया दे रहे हैं, तो बहुत लंबे समय के लिए आप परेशान नहीं होते। बहुत जल्दी आप अपने बैलेंस की स्थिति को वापस से आप पा लेते हैं। और यहाँ पर लिखा है इंटेंशनली अलोकेट एफर्ट टू क्रिएट इक्विलिब्रियम एंड हार्मनी। यस, ऐसा नहीं होता है कि जब आप हायर वाइब्रेशन में होते हो, तो आपको परेशान करने वाले लोग नहीं मिलेंगे, या आपको नेगेटिव इन्फ्लुएंस करने वाले लोग नहीं मिलेंगे, या आपकी टांग खिंचाई करने वाले लोग आपको नहीं मिलेंगे। मिलेंगे, डेफिनेटली मिलेंगे, बल्कि पहले से ज्यादा मिलेंगे। लेकिन जब आप हायर वाइब्रेशन में होते हो, तो आप इस चीज को समझते हो कि मुझे ही एफर्ट लगाना होगा कि कैसे मैं अपने इक्विलिब्रियम में रहूं, कैसे मैं अपनी हार्मनी में रहूं। आप दूसरे लोगों को ब्लेम नहीं करते हो कि ये मेरा मूड खराब कर रहा है, तो अब मेरा सारा दिन मूड खराब रहेगा। मूड खराब करने वाले लोग आपको मिलेंगे, आप इस चीज को एक्सेप्ट करोगे, ओके इस पर्सन ने मेरा मूड खराब करने की कोशिश की है, और उसी वक्त आप सोच लोगे कि नो, मुझे अपने आप को डिस्टर्ब नहीं करना है। इसने मुझे परेशान करने की जरूर कोशिश की है, लेकिन मुझे अपने आप को परेशान नहीं करना है। और तुरंत आप अपने इक्विलिब्रियम में, अपनी हार्मनी में, अपने बैलेंस में आप लौट आते हो। ऐसा होता है जब आप हायर वाइब्रेशनल एनर्जीज में होते हो। अगर ऐसा नहीं हो रहा है, तो आप गो एंड चेक द फर्स्ट फाइल। और तीसरा है वुमन नीड टू आस्क फॉर ए लविंग वे। यस, जब आप हायर वाइब्रेशनल एनर्जी में होते हो, तो लोग प्यार से, रेस्पेक्ट से, सम्मान से आपसे बात करते हैं। वो लोग जो आपको पहले इग्नोर किया करते थे, वो आपको सम्मान देते हैं, रेस्पेक्ट देते हैं, और आप रेस्पेक्टफुल, आप रेस्पेक्ट की डिमांड करते हो। अगर जो लोग आपको लविंग वे में बात नहीं करते, जो रेस्पेक्ट के साथ आपको बात नहीं करते, उनको आप अपनी जिंदगी में अपने आप को डिस्टर्ब करने नहीं देते हो, और उनसे अपना फोकस हटाकर अपने करियर, अपने पर्सनल ग्रोथ के ऊपर आप अपना फोकस ले आते हो। तो जो लोग आपको लविंग वे में बोलेंगे, वही आपकी जिंदगी में रहेंगे, और अदरवाइज वो आपकी लाइफ में नहीं रहेंगे। ऐसा बैलेंस आप अपने लिए बनाने की कोशिश करते हो। एंड मैन नीड लिसन पेशेंटली एंड नॉट पैसिवली। और आप बहुत ज्यादा एग्रेसिव नहीं होते, आप चीजों को सुनने के लिए, समझने के लिए तैयार होते हो। जब आप लोअर फ्रिक्वेंसी एनर्जी में होते हो, तब आप अच्छी गाइडेंस लेने के लिए तैयार नहीं होते, तब आप किसी अच्छी सलाह को मानने के लिए तैयार नहीं होते। उस वक्त सिर्फ आपको अपनी गाथा गानी होती है, उस वक्त सिर्फ आपको अपनी भड़ास निकालनी होती है। अगर कोई व्यक्ति आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रहा है, तो आप उस वक्त समझने की एनर्जी में नहीं होते हो। लेकिन जब आप हायर फ्रिक्वेंसी एनर्जी में होते हो, तब आप पेशेंटली सुनते हो, एक्टिवली सुनते हो, और फिर आप उसके ऊपर मनन करके उसके ऊपर आप अपना जो आपका अपनी खुद की समझ लगाकर आप अपने बैलेंस में उस चीज को लेकर आते हो। यानी कि जब आप हायर फ्रिक्वेंसी एनर्जी में होते हो, तब आप अच्छी राय सुनते हो, धैर्य पूर्वक सुनते हो। अगर कोई चीज आपके मुताबिक नहीं हो रही है, तो भी आप अपना धैर्य नहीं खोते हो, और आप बहुत बैलेंस के साथ में योजना बनाकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते हो। ऐसा आप करते हो जब आप एक हायर फ्रिक्वेंसी वाइब्रेशंस में आप होते हो। और अगर आप इस तरह की वाइब्रेशंस में हो, काफी हायर वाइब्रेशंस में हो, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि हमें अभी भी इस तरीके से नहीं चल रहा हूं, तो रीडिंग को रिवाइंड कर लीजिए, पीछे लेकर जाइए, और फिर देखिए कि एक्चुअल में आपको क्या करने की जरूरत है, अगर आप इस हाई फ्रिक्वेंसी एनर्जी में रहना चाहते हैं तो। और इसके बाद मैंने क्वेश्चन किया था कि अगर आप एक हाई फ्रिक्वेंसी एनर्जी में हो, अगर आप इस तरह से अपनी जिंदगी को मैनेज कर रहे हो, आगे के लिए इस तरह से अपनी जिंदगी को मैनेज कर रहे हो, तो आपके आकाशीय रिकॉर्ड और आपके फ्यूचर पर इसका क्या इफेक्ट आने वाला है। तो कार्ड्स आपके सामने लगाती हूँ।
जब आप हायर फ्रिक्वेंसी एनर्जी में होते हो और अपनी जिंदगी को आप बताए गए तरीके से आप चेंज करने की कोशिश करते हो, तो सबसे पहली चीज तो आप अपनी जिंदगी के निर्माता खुद बन जाते हो। आप अपनी टूटे बिखरे हुए खंडहर नुमा जिंदगी को खुद अपने आप से रीबिल्ड करने में आप माहिर हो जाते हो। यदि आपके आकाशिक रिकॉर्ड कार्ड, यदि आपके आकाशिक रिकॉर्ड में नुकसान लिखा है, टूट फूट लिखी है, अगर आपके आकाशिक रिकॉर्ड में गरीबी लिखी है, अगर आपके आकाशिक रिकॉर्ड में मनी का प्रॉब्लम लिखा है, तो आपके आकाशिक रिकॉर्ड बदल जाते हैं। आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स में नई बिल्डिंग, नई, आप देख रहे हैं ये टूटी हुई बिल्डिंग और यहाँ पर नई दीवार बनने का काम ये व्यक्ति कर रहा है, तो आपके आकाशिक रिकॉर्ड में भी इस तरह से बदलाव आने लगता है कि जो चीजें पहले रीराइट किया जाता है, आपका जो डेस्टिनी है वो रीराइट कर दिया जाता है। आपका डेस्टिनी जो टूटा फूटा गलत डेस्टिनी था वो रीराइट आप करने लगते हो, क्योंकि आप अपने निर्माता खुद बन जाते हो। क्योंकि डेस्टिनी तब तक ही, डेस्टिनी का काम रोल तब तक ही है जब तक कि आपने उस को-क्रिएशन का काम अपने हाथ में नहीं ले लिया। जब तक आप अपनी लाइफ को क्रिएट नहीं करते तब तक डेस्टिनी के हिसाब से आपकी जिंदगी चलती है। लेकिन जब आप डेस्टिनी को पीछे छोड़कर को क्रिएशन का काम हाथ में ले लेते हो, जब आपको ये चीज समझ में आ जाती है कि मेरे डेस्टिनी में बनाने वाला खुद हूं, तो फिर डेस्टिनी पीछे हट जाता है और उसके बाद में वो होने लगता है जो आपने तय किया, वही आपके साथ होने लगता है। तो आकाशिक रिकॉर्ड्स आपके बदल जाते हैं, आपकी डेस्टिनी चेंज हो जाती है। और डेस्टिनी चेंज होती नहीं, आप डेस्टिनी को चेंज कर देते हो जब आप हायर फ्रिक्वेंसी एनर्जीज में होते हो। और उसके बाद आपका फ्यूचर, ट्रू फ्यूचर, आप अपने ट्रू ऑथेंटिक लाइफ को जीने लगते हो, आप अपने ट्रू लाइफ पर्पस को जीने लगते हो, आप शांत रहते हो। आपके जिंदगी में ऐसा नहीं होगा कि जब आप हायर फ्रिक्वेंसी एनर्जी में होंगे तो शांत पत्थर में कंकर मारने वाले लोग नहीं मिलेंगे। हाँ, शांत पत्थर में कंकर मारने वाले लोग भी मिलेंगे, कुछ समय के लिए इंबैलेंस की लहरें भी उठेगी, लेकिन बहुत जल्दी अपने आप को बैलेंस में लाकर अपने ट्रू फ्यूचर, अपने ट्रू सेल्फ, अपनी ट्रू लाइफ को जीने की दिशा में आप आगे बढ़ने लगेंगे जब आप इस तरीके से जिएंगे। एंड 37 कार्ड है, इस कार्ड की वाइब्रेशन ही आप देख लीजिए, आप बहुत ही नॉलेजफुल, बहुत ही रेस्पेक्टेड पर्सन की तरह दुनिया में आप बन के उभरेंगे। आपके हाथ में कमांड होगा, आपके हाथ में हीलिंग पावर होगा, आपके हाथ में समृद्धि होगी, अबंडेंस होगा, फ्लो ऑफ अबंडेंस, फ्लो ऑफ, ये ग्रीन कलर जो है प्रॉस्पेरिटी का प्रतीक है, ये जो ब्लू कलर है ये फ्लो का प्रतीक है, ये नदी जो है फ्लो का प्रतीक है। तो आपकी जिंदगी में मनी हो या रिलेशन हो या लव हो, इनका फ्लो बना रहेगा। आप एक हाई वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी में रहेंगे, लोग आपकी बात को सुनेंगे, समझेंगे और आप एक प्रभावशाली व्यक्तित्व के रूप में फ्यूचर में उभरेंगे। तो ये थी आज की पिके कार्ड रीडिंग। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। आई विल बी बैक सून। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय। सही सकारात्मक ऊर्जा आपको खुशियां, सौभाग्य, धन दौलत, समृद्धि, सफलता, प्यार सब कुछ दिला सकती है। ऊर्जा के सकारात्मक उपयोग से यानी हाई पॉजिटिव वाइब्रेशन से आप पा सकते हैं अपनी मनचाही जिंदगी। इन करिश्माई रंग बिरंगे पत्थरों और इन खुशबूदार तेलों को कम मत समझिए। अगर आपने अभी तक इनका उपयोग नहीं किया है तो निश्चित तौर पर आप नुकसान में हैं। क्रिस्टल और एसेंशियल ऑयल्स की जटिल ज्यामितीय रासायनिक संरचना और विशिष्ट अणु संगठन इनको इतना शक्तिशाली बना देता है कि अपने धारण करने वाले पर निश्चित तौर पर ये सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। इनसे निकलने वाली सकारात्मक ऊर्जा तरंगें आपकी शारीरिक और मानसिक तंत्र को संतुलित करती हैं, आपके ऊर्जा चक्रों के ब्लॉकेजेस को खोलती हैं और आपके ऊर्जा चक्रों को सक्रिय करती हैं। ये एनर्जी वेव्स आपके स्नायु, आपके तंत्रिका तंत्र, ओवरऑल आपके पूरे शरीर पर एक सकारात्मक प्रभाव डालती है, आपके शरीर में रासायनिक संतुलन लाती है और जिसके प्रभाव से आपके जीवन में बेहतरीन परिवर्तन होते हैं जिन्हें आप खुद महसूस कर सकते हैं। आपकी आंतरिक ऊर्जा को सकारात्मक रूप से बदलकर ये आपके जीवन के बाहरी अनुभवों को भी पॉजिटिवली इफेक्ट करने लगते हैं। आप ज्यादा शांत और खुशनुमा अनुभव करते हैं और इसका सीधा संबंध आपके संबंधों पर पड़ता है और आपके जीवन के अन्य पहलुओं पर भी इसका इफेक्ट साफ तौर पर देखा जा सकता है। अगर आप क्रिस्टल और अरोमा ऑयल्स को उनके प्राकृतिक रूप में उपयोग करें तो भी वे बहुत प्रभावकारी होते हैं, लेकिन अगर उनकी सही प्रोग्रामिंग की जाए, अगर उनका एक्टिवेशन कर दिया जाए तो उनकी शक्ति कई बढ़ जाती है क्योंकि उनमें प्रोग्रामिंग की पावर होती है। क्रिस्टल और अरोमा ऑयल्स का सीधा प्रभाव अगर वो प्रोग्राम्ड है तो आपके शरीर, मन और चेतना पर उसी प्रकार से पड़ता है जिस प्रकार से आप होना चाहते हैं, करना चाहते हैं। प्रोग्राम और एक्टिवेटेड क्रिस्टल्स की गुणवत्ता कई गुना बढ़ जाती है और इससे आपके उपयोग करने पर आपकी चेतना का स्तर बढ़ता है और आपके जीवन का समग्र विकास होने लगता है।
तो आइए जानते हैं कि मेरे पास आपके लिए कौन कौन से प्रोग्राम और एक्टिवेटेड क्रिस्टल्स और अरोमा प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं और चुनिए आप अपने लिए सही प्रोडक्ट। ऑर्डर करने के लिए और ज़्यादा जानकारी पाने के लिए व्हाट्सएप कीजिए मेरे ऑफिस नंबर 7424830300 पर आज ही। कुदरत ने तो अपना जादू भर ही दिया है इन रंग बिरंगे क्रिस्टल्स में और इन खुशबूदार एसेंशियल ऑयल्स में, लेकिन हमने इन्हें प्रोग्राम और एक्टिवेट किया है ताकि ये ज़्यादा प्रभावी हो सकें आपके लिए। तो चुनिए अपने लिए सही प्रोडक्ट्स आज ही। चल पथिक उस देश जहाँ पर सूरज सा उजाला, चल पथिक उस देश जहाँ पर सूरज सा उजाला, चांद सी शीतलता है हर पल जो फूलों की माला, एक दूजे का हाथ थाम कर आगे बढ़ते जाए, मधुर गीत के गुंजन के संज्ञान के दीप जलाए, भीतर की यात्रा कर ले तू थाम के हाथ हमारा, कठिन राह पर हम बनेंगे एक दूजे का सहारा, उजाले की ओर ले चले, 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 चल पथिक उस देश जहाँ पे सूरज सा उजाला, पथिक उस देश जहाँ पे सूरज सा उजाला, मिट जाता है सबके जीवन का अंधेरा काला।